الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته प्यारे अजीजों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने कुछ ज़रूरी असिला के बारे में पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 अ को अपनी कॉपी पर नोट भी कर लिया उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वाली क्लास को देखा होगा और हर एक असलाह को आपने अपनी कॉपी पर नोट किया होगा अगर अभी तक आप में से किसी ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और स्वाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए तो आज हम इन श्रा मज़ीद टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो आज जो हमारी टर्म है टर्म नंबर ट्वेंटी वन ठीक है जी इसको आप नोट करें टर्म नंबर ट्वेंटी वन जो है वो है सुकून क्या है सुकून सुकून किसे कहा जाता है भाई जज्म को ठीक है जी जज्म को सुकून कहते हैं क्लियर हो गया अच्छा ये जो जज्म लिखने के तरीके हैं ना ये आपको मुख्तलिफ तरीके मिलेंगे अगर आप कुरान देखेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे बा, बा बा इस सुकून को लिखने के तीन तरीके हैं या तो ऐसे गोल दायरा ये भी सुकून की अलामत है या तो ये छोटा सा दाल होता है ये भी सुकून की अलामत है या तो ऐसे ये एरो होता है ऊपर की तरफ तो ये भी सुकून की अलामत है तो ये तीनों जो है ना ये सुकून की अलात है क्लियर हो गया तो आप ऐसे भी सुकून डाल सकते हैं फॉर आपको अगर लिखना है अहमद तो आप लिखेंगे अहमद ऐसे भी लिखेंगे आपको लिखना है अहमद तो आप लिखेंगे अहमद और अगर आपको लिखना हो आप ऐसे लिखेंगे अहमद यानी आप गोल दायरा लगा के सुकून दे सकते हैं या ऐसे भी आप सुकून लिख सकते तो जो अलामतें हैं ना ये तीन अलामतें ये सुकून की हैं सुकून की अलामत है ठीक तो सुकून किसे कहा जाता है सुकून को कहते हैं और जिस हरफ पर सुकून हो उसे क्या कहते हैं उसे साकिन कहते हैं क्लियर हो गया चले तो इसको मिटा देता हूं जिस हड़फ पर सुकून हो उसे साकिन कहते हैं ठीक फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बा के ऊपर जज्म आ गई सुकून आ गया तो इसको हम कहेंगे बासाकिन यानी इसका नाम होगा बासाकिन ठीक इसी तरह से ता के ऊपर सुकून आ गई ऊपर सुकून आ गई तो सा साकिन तो लिखने का तरीका जो है ना वो आप मुख्तलि कर, कर सकते हैं या तो गोल दायरा या तो ऐसे दाल वाला या तो ऐसे ये तीनों आपकी सुकून की आलाम हैं इनको इनशाला आप देख लीजिए अगर किसी कुरान में आपने ऐसे देखा हो तो परेशान नहीं होना तो इनशाला आप इसको कर सकते हैं तो सुकून जो है ना जजम को कहते हैं और जिस पर सुकून हो उसे साकिन कहते हैं या जिस पर जबर जेर पेश वगैरह हरकत में से कोई हरकत ना हो ये भी आप लिख सकते हैं सुकून की एक और डेफिनेशन आप लिखेंगे या वो हरूफ जिस पर जबर जेर पेश वगैरह में मैं से कोई हरकत ना हो तो जाहिर सी बात है जब जबर जेर पेश नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर तो सुकून ही वो होगी क्लियर हो गया चले तो यह हमारी थी आ, कितनी भी टर्म नंबर ट्वेंटी वन उसके बाद टर्म नंबर ट्वेंटी टू टर्म नंबर ट्वेंटी टू हो गया हमारा तशदीद ये भी आपको कुरान के अंदर मिलता है तशदीद तशदीद किसे कहा जाता है तशदीद शद को कहा जाता है शद को कहते हैं ठीक और जिस पर तशदीद आए यानी जिस हड़प पर तस्दीद आए ऑब्वियसली तशदीद जो आएगी वो तो किसी हड़प पर ही आएगी ठीक है ना किसी लकड़ी पर तो नहीं आएगी क्लियर हो गया तो शद को कहते हैं और जिस पर तशदीद आए उसे मुशद क्या कहते हैं मुश्दत कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ऊपर तजदीद आ गई और तजदीद का सिंबल आपका ये होता है डब्ल्यू ऊपर आ गई तो हम इसको कहेंगे बा ता के ऊपर आ गई तो ता मुशद्द के ऊपर आ गई तो सा मुशद्द क्लियर होगी बात हाँ तो तजदीद शद को कहते हैं जिस हड़फ पर शद हो उसे मुश्दत कहते हैं और ये जो डब्ल्यू वाला सिंबल आप देखते हैं ना जो लफ्ज के किसी हरफ को दो मरतबा पढ़ने के लिए उस हरफ पर लिखी जाती है ठीक ना इसका काम ये होता है कि ये किसी हरफ पर क्यों आती है ताकि उस हरफ को हम दो बार पढ़े फॉर एग्जाम्पल हमजा बा और इस तरह से हमजा बा जबर अब बा जबर बा अब बा। हमजाबर जीम, जबर तो जीम को हमने दो बार पढ़ा तो किसी भी हरफ के ऊपर इस सिंबल का आना उससे मुराद ये होता है कि उस हरफ को हमने ट्वाइस दो मरतबा पढ़ना है तो ये आपका होता है शद क्लियर हो गया चलिए उसके बाद हमारा टर्म नंबर ट्वेंटी थ्री हाँ ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री टर्म नंबर ट्वेंटी थ्री में हम देखेंगे लहन लहन किसे कहा जाता है लहन देखिए लहन जो है ना लहन हम कहते हैं कुरान करीम को तजवीज के खिलाफ पढ़ना कुरान को तजवीद के खिलाफ पढ़ना यानी तजवीज के खिलाफ जब आप कुरान को पढ़ेंगे ना वो लहन कहलाएगा और लहन किसे कहा जाता है लहन कहा जाता है गलती को यानी जिसको हम कहते हैं एरर अब ये जो लहन है ना ये दो किस्म का होता है एक होता है लहने खफी और एक होता है लहने जली अगर आप लहने खफी करेंगे ना कुरान के अंदर तो चल जाएगा नमाज में करेंगे तो नमाज तो अदा हो जाएगी लेकिन लहने खफी जो है ना ये मकरू है लेकिन लहने जली जो है ना यह हराम है इससे नमाज फासद हो जाएगी मिसाल में आपको दूं लहने खफी से मुराद फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं अन अमता अन अमता में जो ये नून है ना नून साकिन इसको आप जाहिर करते हैं क्यों क्योंकि इजहार है इजहार क्यों है क्योंकि आगे नून साकिन के बाद आइन आ रहा है में से तो आप पढ़ते हैं अन अम्ता। अगर आप पढ़ेंगे अमता तो ये लहने खफी कहलाएगा इसे माना तो नहीं बिगड़ेगा लेकिन लहने खफी है तजवीद के खिलाफ है लेकिन ये लहने जली जो होती है ना ये होता है किसी हरकत को ही बदलना फॉर एग्जाम्पल आप इसी में पढ़ते हैं अनता अलैहिम पढ़ते हैं ना अनता अली यानी अन अमता यानी तूने इनाम किया उन पर है ना यानी अल्लाह ने इनाम अता किया ना उन पर तो इस ताज़बर से क्या हो रहा है कि हम मुखातिब अल्लाह यानी आपने इनाम अता किया लेकिन अगर हम इस अन अमता को अन अम तो पढ़ेंगे यानी अगर हम यहां पर इसको जबर को पेश बना देंगे तो अब यहां पर यह बड़ी गलती हो क्यों क्योंकि इस एक पेश की वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो गया इस लफ्ज का अन अमता तूने इनाम अता किया अन अम तो मैंने इनाम अता किया अब इस पेश की वजह से ये क्या बन गया मुतकलिम का सेगा बन गया यानी मैंने इनाम अता किया तो नाउज बिला जब आप कुरान में ऐसे पढ़ेंगे तो माना तब्दील हो जाएगा बात क्लियर होगी हाँ तो इसी तरीके से अन अं, अमता अगर इजहार इखफा में गलती हो जाती है या मददात में फॉर एग्जाम्पल आप अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं अलिफ लाम और मीम दोनों पर क्या है मद है ना मद आजिम तो आप क्या करते हैं फिर वो कलम मुसक्कल हरफी मुसक्कल वो इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा ठीक तो हरफी मुसक्ल मैंने आपको शिदी से पहले पढ़ा है तो अगर आप इसकी मेदार फॉर एग्जाम्पल तीन हरकत खींचते हैं तो आपको आपको पढ़ना होता है लाम खींचना पड़ता है लेकिन कोई अगर पढ़ेगा अलिफलामीमकल किताब तो जल्दी जल्दी से मद नहीं करेगा तो वह लहने खफी में आता है से माना में कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन लहने खफी में आता है जो आपका माइनर एरर कहलाता है तो इन चीजों से बचना है तजवीद का नाम ही यही है कि आप लहन आप लहन से बचें यानी कुरान करीम को तजवीद के खिलाफ पढ़ना लहन कहलाता है तो जाहिर सी बात है लहने खफी हो या लहने जली हो दोनों से बचना क्या है जरूरी है लाजमी है तो क्लियर हो गया ये आपका क्या था लहन था तो इसको इंशाल्लाह आपने समझ लिया चले तो ये इंशाल्लाह हमने डिटेल से पढ़ना है ना आप टेंशन ना लें इनको हमने इलाबरेट करना ये तो आपके मान लो ये आपके टॉपिक्स आ रहे हैं अभी

यानी एग्जिट या मखारिज या मखरज भी लिखा होता है बाज एक जगह मैंने मदीना में देखा था कि एक दरवाजे के बाहर एग्जिट लिखा था और वहां पर साथ में मखरज लिखा था ठीक तो दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जिट के लिए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अच्छा मखारिज मखारिज का ये तो एग्जिट का ताल्लुक है यानी निकलने की जगह तो मखारिज तजवीद के अंदर इसका क्या ताल्लुक है तो याद रखें मुंह के वो हिस्से जहां से हरूफ अदा होते हैं ठीक तो इसको लिखें मुंह के वो हिस्से जहां से हरूफ अदा होते हैं मुंह के वो हिस्से जहां से क्या होते हैं हरूफ अदा होते हैं जैसे हलक है जैसे लिसान है हलक यानी थ्रोट और इसी तरीके से लिसान लिसान हम कहते हैं टांग को जुबान को यानी जुबान हलक इस तरह से होंट भी है दांत का अमल भी है फिर इसके अंदर ओवरऑल आपका जो मुंह है ना मुंह से जो हरूफ निकलते हैं ना सारी अदायगी तो मुंह से होती है जुबान वहां लगती है सनाय उलिया से सनाय सुफला से जवाहिक से तवाहिन से तरफ लसान वस्ते लसान और भी जो रास रास्ान वगैरह वगैरह तो वो सारे आ जाते हैं तो मखरज जो होती है और ओवरऑल निकलने की जगह कहलाते हैं बात क्लियर होगी तो ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे चले उसके बाद हमारा ट्वेंटी फिफ्थ टर्म नंबर ट्वेंटी वो है हरूफ मुतहिदुल मखरज हरूफ मुत्ता हिदुल मखरज इसको लिखें हरूफ मुतहिदुल मखरज देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए मखरज हम कहते हैं निकलने की जगह को मुतहिद किसे कहते हैं मुतहिद कहते हैं हम मिले हुए को फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि मुसलमानों मुतहिद हो जाओ ए उम्मत ए, न, ए उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में क्या हो जाओ मुताहिद हो जाओ है ना कुरान में भी है ना बिहिला जमिया कि आप एक ही रस्सी को पकड़े रखो मुताहिद हो जाओ उम्मत को कहा जा रहा है ना कि मुसलमान एक मुस्लिम बनकर रहो यानी मुताहिद हो जाओ तो मुताहिद हम कहते हैं मिले हुए को तो हरूफ मुताहिदुल मखरज किसे कहा जाता है तो मुताहिद आपको समझ में आ गया एक एक होने को एक जुट होने को कह कहा जाता है तो हरूफ मुताहिदुल मखरज कहा जाता है वो हरूफ जिनका मखरज एक हो हा वो हरूफ जिनका मखरज एक हो यानी जिनका मखरज एक हो इनका मखरज एक होता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है दाल ता यह आपका हरूफे कौन सा हरूफी नतैया है इनका मखरज एक है ना इसी तरीके से कौफ और काफ इनका मखरज भी एक ही है यानी यह भी आपका जो आपका कौवा होता है ना कौवा जो गोश का टुकड़ा होता है उसको युवाला कहते हैं इंग्लिश में तो उसके जो मुतसिल आपका जो होता है ना नीचे जुबान का एंड उससे वो आपका कौफ और काफ निकलता है अब फर्क यह है कि कौफ मोटा है काफ बारीक है ठीक तो उसमें क्या है तो हम इनको कहते हैं हरूफ हरूफ मखरज यानी वो जो जिनका मखरज जो होता है जिनका मखरज एक जैसा हो ठीक अच्छा इसके अपोजिट में जो आएगा ना वो क्या आएगा आप ट्वेंटी सिक्स वो आएगा हरूफ मुख्तलिफुलरूफ सॉरी मुख्तलिफुल मखरज हरूफ मखरज मुख्तलिफुलमखरज मखरज यानी अब देखिए यहां पर था मुताहिद यानी जो जिनका मखरज एक हो लेकिन मखरज का मतलब क्या आएगा मुख्तलिफ किसे कहते हैं डिफरेंट को तो अब सीधी सी बात है वो हरूफ जिनका मखरज जो हो वो अलग अलग हो वो हरूफ जिनका मखरज अलग अलग हो जिनका मखरज अलग अलग हो फॉर एग्जाम्पल जैसे बा ता, बा और ता का अलग अलग मखरज है से राल, फा। ठीक इनका अलग मखरज है बा जो है ये आपका कैसे अदा होता है बा जो आपका तरी वाला हिस्सा है फा आपका खुशकी वाले हिस्से हर, आपका हरफी बर्री कहलाता है ता जो है आपका हरूफी नेतिया है जुबान की नोक और ऊपर सनाया उलिया की जड़ों और दाल जो है आपका हरूफे जुबान की नोक और ऊपर वाले दांतों की, की किनारे यानी इनका मखरज देखिए अलग अलग है अलग अलग जगह से ही निकल रहे हैं तो इन को हम मखरज कहेंगे जिन, जिन, जिन हरूफ का मखरज जो है ना वो अलग अलग हो क्लियर होगी बात तो यह आपके हो गए मुख्तलिफुल यहां तक बात समझ आ गई चले ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन हमारा आता है जैसे हम लिखेंगे हरूफ हल्की हरूफ हल्की बिल्कुल आसान है यानी हलक से अदा होने वाले हरूफ अब यह आपकी तीन डिवीजन में डिवाइड हो जाएंगे वस्ते हलक निचला वाला हलक और ऊपरी हलक ठीक है ना फौके या नीचे तो यह आपने इन शिटेल में आगे पढ़ना है फिलहाल हम यहां पर लिखेंगे हमजा हा आइन हा खा यानी ये छः हरूफ हैं जो आपके क्या कहलाते हैं हरूफे हलक यानी हलक से ज्यादा होते हैं हमजा हा आपके निचले वाले हलक से हमजा हा आइन और हा दरमिया से आइन हा और गैन खा ऊपरी हलक से दोनों पुर है खा। हो गया? चले। उसके बाद हमारा ट्वेंटी एट वह हमारा हरूफे लाहतिया क्या हरूफे लाहतिया इसको लिहात लिहातिया भी कहा जाता है लेकिन बहरहाल लाहतिया आ, असल लफ्ज है तो इसको इंशाल्लाह नोट कीजिएगा हरूफ लिया हम कहते हैं वो हरूफ जो कव्वे के मुत्तसिल जुबान की जड़ उनसे अदा हो यानी सिंपल में लिखे कव्वे की मुतसिल जड़ की मुतसिल जड़ यानी मुतसिल जुबान कह लो या मुतसिल जुबान की जड़ कह लो या जड़ी जुबान ये भी लिखे कौे की मुतसिल जड़ी जुबान की जो है उससे अदा हो या आप ऐसे लिख सकते हैं कि वो हरूफ जो कवे के मुतिल जुबान की जड़ और तालू से अदा हो कवे के मुतसिल हाँ तसिल ज़ुबान और तालू से अदा हो ऐसे भी लिख सकते हैं और ये आपको मालूम है कि हरूफी लिहाते आपके कौफ और काफ कहलाते हैं इनका मखर जो है ना एक और ये कौवा जो है ना ये वो क्रव वाला नहीं है ये जो क्र होता है परिंदा ये वो नहीं है कौवा हम कहते हैं जो हमारी जुबान जो है ना जहां जुबान एंड होती है वहां पर एक गोश का टुकड़ा होता है उसको युवाला कहते हैं इंग्लिश में तो ये वही होता है उसकी मुतसिल जो जुबान खत्म हो रही है ना हमारी वहां से आधा होता है अफ अफ और ये वो जो, जो गोश का टुकड़ा है ना वो उस जुबान के पिछले वाले हिस्से से लगता है तो ये एक मखरज की यहां पर आ गई ठीक है जी चले उसके बाद हमारा हरूफे लहातिया आ गया उसके बाद हरूफ शजरिया शजरिया इसको इनशाला हमने इलाबरेट करना है ये अभी हम सिर्फ टर्म्स लिख रहे हैं हाँ इसको इनशाला अलग से पढ़ना है हमने मुकम्मल हाँ एडवांस पढ़ना है जैसा कि मैंने कहा कि एडवांस पढ़ाऊंगा इन तो हरूफ शजरिया हम कहते हैं जुबान के वस्त और मुकाबल के तालु जुबान के वस्त और मुकाबल के तालु से अदा होने वाले जुबान का जो वस्त होता कहते है, जो हमारा वाला तालू है इससे जब जुबान लगती है ना तो वह हरूफ आपके अदा हो जाते हैं यानी वो हरूफ जो जुबान के दरमियान और तालो के दरमियान से अदा होते हो ठीक है ना और उसमें आपका कौन कौन से हरूफ आते हैं जीम शीन और या।, या आपके जो है ना हरूफे शजरिया कहलाते हैं, जीम शीन और या, या आपके दरमिया जुबान और मुकाबल के तालु से आदा होते हैं जीम शीन या बात तो ये आपका हो गया कर उसके बाद हमारा आता है ट्वेंटी नाइन्थ हाँ ट्वेंटी नाइन्थ ये हो गया हमारा ट्वेंटी नाइन्थ हम लिखेंगे हरफ हाफिया ये एक हरफ इसलिए मैंने लिखा हरफ हाफिया ठीक है जी हरफ हाफिया से मुराद क्या है हरफ हाफिया हम कहते हैं वो हरफ जो जुबान के बगली किनारे से अदा होता हो जो जुबान के बगली किनारे से अदा हो और ये हमारा एक हड़फ है जिसको हम कहते हैं बौद्ध ठीक और इसका मखरद जो है ना बिल्कुल आपको आता होगा इंशाल्लाह प्रैक्टिस की होगी आपने जो जुबान है ना जुबान का ये जो साइड वाले होते हैं ना साइड ये किनारे इनको बगली किनारे कहते हैं जब यह आपके जवाहिकवााहिन से लगते हैं ना इनकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा आगे कुछ लोग इसको ज़ाद पढ़ते हैं लेकिन अब इसमें देखिए अख्तलाफ है कुछ लोग दौद पढ़ते हैं कुछ लोग ज़ाद पढ़ते हैं लेकिन जो अरब पढ़ते हैं अरब इसको दौद पढ़ते हैं तो अब जिसको दौद पढ़ना आ जाएगा लेकिन इतना आप ख्याल रखे दौद को आप दाल न पड़ बैठे और इतना भी ज़ाद ना पड़े कि आप उसको जाल पढ़ें या उसको ज़ा पढ़ें यह आपने फ़र्क करना है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक चले तो ये आपका हो गया हरफ है जुबान के बगली किनारे से अदा होने वाला हरफ उसको हम कहते हैं हरफ दौद उसके बाद हमारा एक और आता है हरूफ दल, हरूफ जल्कि ठीक ट्वेंटी नाइन थर्टी हरूफल हरूफ जल्कि जो है ना हरूफ जल्कि हम कहते हैं वो हरूफ जो जुबान के किनारों से आदा होते हैं जो जुबान के किनारों से अदा होते हैं और ये जो किनारे से अदा होने वाले थे ना इनको एक और नाम दिया जाता है हरूफ तरफिया इनको हरूफ तरफ़िया यानी तरफ लिसान से अदा होते हैं ठीक है ना और ये कौन कौन से हैं लाम रा और नून ये आपके तीन हरूफ हैं हरोफ जलाकिया जिनको हम हरूफ ताराफिया भी कहते हैं ठीक है ना उसके बाद हमारा आता है थर्टी वन हरूफिया नितइया जो है ना ये भी आपके तीन हरूफ है ता दाल और ता यानी ये तालु का तालु का अगला हिस्सा जो है ना उससे अदा होते हैं तालु के अगले हिस्से से अदा होने वाले तालु के अगले हिस्से से अदा होने वाले हरूफ इनको आप लिखें इंशाल्लाह ता दाल और ता ये आपके तीन हरूफ आ गए तालू और तालू जो होता है ना ऊपर तालू सामने वाला तालु उसका अगला वाला हिस्सा नहीं अगला कहते हैं सामने वाले हिस्से को और इसमें आप जो देखेंगे जो आपका सनाया उलिया है ना ऊपर के दो दांत उनसे उनकी जड़ों से लगता है जुबान का वो टिप लगती है किनारा लगता है टॉप टिप लगती है तो जिसको हम नो के जुबान कहते हैं जुबान नहीं नो की जुबान तो उसके साथ जब लगती है तो आपके तीन हरूफ अदा होते हैं तय दाल और तौ इसमें आपका पुर है और बाकी जो दो है वो आपके बारीक है तो हरूफ न हो गया उसके बाद है हरफ बर्री ये भी आपका एक सिंगल है थर्टी टू हरफ बर्री हरफ बर्री जो है ना ये एक सिंगल हरफ है यानी होटू की खुशकी से अदा होने वाला हरफ होटू की खुशकी से अदा होने वाला हरफ और ये जो हरफ है ना ये है आपका फा 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 जो है ना ये कहां से अदा होता है की खुश्की से यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जुबान है ना एक तो जुबान का अंदरूनी हिस्सा होता है वेट वाला और बाहर वाला हिस्सा खुश्क होता है तो ये जो खुश्क है ना तो ये वहां से अदा होता है सॉरी मैंने शायद गलत लिख दिया नहीं फानी है फानी है फानी फा मीम है मीम हाँ फा तो हमने इससे पहले देखा फा जो है ना वो आपका तरी वाले हिस्से से होता है क्योंकि उसमें दांतों का भी जो है वो रहता है फा हाँ ठीक है ना तो गलती से लिख दिया था मैंने मीम मीम जो है ना मीम मीम आपका हो की खुशकी से अदा होने वाला हरफ है जैसे मीम मीम ये बाहर अदा होता है जो खुशकी होती है ना वहां से अदा होता है ठीक है जी तो ये आपका हो गया थर्टी टू उसके बाद थर्टी थ्री सिफत सिफत किसे कहते हैं भाई क्वालिटी को कहते हैं हरफ की वो कैफियत या हालत जो हरफ को अदा करते वक्त हरफ के साथ कायम हो ठीक है ना हरफ की वो कैफियत व हालत हरफ की वो कैफियत या वो हालत जो हरफ को अदा करते वक्त जो हरफ को अदा करते वक्त उसके साथ होती है ठीक है ना तो सिफात जब इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह उसमें देखेंगे यानी जो हरफ की वो कैफियत या हालत जो हरफ को अदा करते वक्त उसके साथ जो है ना कायम हो या उसके साथ होती है सिंपल आप माना में ऐसे लिखें तो ये आपकी सिफात की डेफिनेशन है ठीक है अच्छा फिर सिफात के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसके बाद हमने आ, एक और चीज़ देखी थी जो रॉ के अंदर हम पाई जाती है तरकीक थर्टी फोर वो हो गया तरकीक तरकीक है इसका नाम ठीक तरकीक हम कहते हैं जो बारीक पढ़ा जाए यानी हरफ को बारीक पढ़ना हरफ को बारीक पढ़ना हाँ हरफ को बारीक पढ़ना फॉर एग्जाम्पल जैसे काना है काना अब इस काना में देखिए जो जो काना में ये जो अलिफ है ना बीच में इस अलिफ को हमने क्या पढ़ना है बारीक पढ़ना है क्यों बारीक पढ़ना है भाई क्योंकि ये पीछे काफ जो है ना काफ काफ आपका बारीक हरफ है तो हम पढ़ते हैं काना काना क्लियर हो गया काना तो इसी तरीके से आप देखेंगे हम मैं यहां पर लिख देता हूं थर्टी फोर और थर्टी फाइव थर्टी फिफ्थ इसके मुकाबले में आएगा तफखीम क्या तफखीम और तफखीम किसे कहा जाता है हरफ को पुर पढ़ना हरफ को पुर पढ़ना तरकीक और तफखीम तफखीम हम कहते हैं हरफ को पुर पढ़ना मोटा पढ़ना ठीक है ना और ये मखसूस हरफ को पुर पढ़ने के लिए आता है और तरकीक जो है ये बारीक को कहा जैसे का में ये जो अलिफ है इसको बारीक पढ़ना है और इसमें क्या है भाई फॉर एग्जाम्पल इसमें हम यहां पर लिखेंगे कला तो इस कॉला में ये जो आप अलिफ देख रहे हैं ना ये अलिफ इस कौला का अलिफ इसको आपने पूर्व पढ़ना है क्यों क्योंकि यहां पर ये जो कौफ है ना कौफ आपका पुर हरफ है देखिए का क़ा आ की आवाज कैसे आ रही है क़ा आ... आ की आवाज आ रही है ना अब यहां पर देखिए कॉल आ... 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 आ आ तो खुद आपको पता चलेगा जब आप इसकी मश करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कैन अलिफ आपका बारीक हो गया कौला ये आपका पूर्व हो गया तो इसको हम कहते हैं तरकी और तफखीम ये एक सिफत पाई जाती है इसके अंदर तो ये कितना हो गया भाई हमारा थर्टी फोर्थ उसके बाद एक और जो सिफात हमारी आती है वो है थर्टी फिफ्थ वो है इजहार अच्छा इजहार किसे कहा जाता है भाई इजहार कहते हैं नून साकिन और तनवीन और मीम साकिन को जाहिर करके पढ़ना नून साकिन तनवीन और मीम साकिन को जाहिर करके पढ़ना देखिए इजहार जो होता है ना इजहार हम कहते हैं जाहिर करने को और नून साकिन और तनवीन और मीम साकिन को जाहिर करके पढ़ना फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते हैं ना मीन खौफ क्या पढ़ते हैं मिन खौफ तो मिन ये जो नून साकिर है ना ध्यान ध्यान रखिए ये जो नून साकिन है ना नून साकिर को हमने क्या किया मिन हमने नून को जाहिर किया क्यों क्योंकि आगे खा आ रहा है खा आपका हल्की हरूफ में से है इस वजह से हमने यहां पर इजहार किया क्लियर होगी बात इसी तरीके से अन अमता अन अमता में हम क्या पढ़ते हैं अन नून को जाहिर करते हैं अन नून की आवाज को निकालते हैं हम नहीं कर रहे हैं, अन, नहीं अन्न क्यों क्योंकि आइन जो है ना ये आपका हरोफे हल्के में से आ गया तो इसको हम कहते हैं इजहार क्लियर होगी बात इस मिसालों इन मिसालों को इनशाला ध्यान में रखिएगा मजीद क्लास में इंशाल्लाह डिटेल से बात आएगी उसके बाद आपका आता है ईदगाम ईदगाम हम कहते हैं मर्ज करने को ठीक है ना दो दो हरफों को मिला देना दो हरफों को मिला देना यानी दो हरफों को मिला देना फॉर एग्जाम्पल बा प्लस बा बा साकिन और बा जबर को जब मिलाएंगे ना तो ये आपका बनेगा ऐसे बा शद के साथ ऊपर जबर आएगी तो ये आपका दो हरफ मिल के ठीक उसके बाद थर्टी सेवन वो आपका आता है अख्फा अख्फा हम किसे कहते हैं छुपाने को टोहाइड इकफा कहते हैं छुपाने को यानी ईदगाम और इजहार की दरमिया हालत एक तो हम लिख सकते हैं छुपाने को या आप आसान लफ्जों में लिखे ईदगाम और इजहार की दरमिया हालत इजहार और ईदगा की दरमियानी हालत ठीक जैसे अंतरो अब देखिए यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं अंत क्यों क्योंकि यहां पर ता जो है ना ये आपका हरूफी अखवा ऐसे है तो हमने यहां पर नून को जाहिर ही किया हमने अंत नहीं पढ़ा अंत तो इस नून की आवाज को हमने थोड़ा सा साइलेंट करना है नाक में इस तरह मुंह जीरो है यहां पर जाल है ना तो जाल भी आपका हरूफी इख्फा में से है तो इस नून को आपने जाहिर नहीं करना मुन नहीं पढ़ना है मुन ये मुन एम यू एन एन नहीं पढ़ना है मुन इस एन को आपने साइलेंट करना है मुंजिर अंतमुंजिर क्लियर होगी बात तो ये आपका हो गया इख्फा अच्छा ये हमारी होगी टर्म नंबर थर्टी टर्म नंबर थर्टी एट इकलाब। इसे कल्ब भी कहा जाता है ठीक लेकिन इकलाब आप लिखें इंशाल्लाह बाद में इंशाल्लाह वजाहत होगी इकलाब जो है ना नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर इख़फ़ा करना नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर इख़फ़ा करना ठीक और इकलाब के लिए शर्त क्या है इलाब के लिए शर्त यह है कि अगर नून साकिन हो या तनवीन हो उसके बाद जो है ना हरफ बा आना चाहिए। क्या ना चाहिए? चाहिए वो मुताहरिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उस जगह क्या होगा उस जगह एक छोटा सा मीम जो होगा ना वो वहां पर गिवन होगा यानी ऐसा छोटा सा मीम बना हुआ होगा तो उस मीम को आपने नून साकिन के बदले में पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहां पर लिखेंगे मिन बादी. मिन बादी है ना तो इसको आपने मिन नहीं पढ़ना है आपने मई एन एन मिन नहीं एन को नहीं पढ़ना है आपने पढ़ना है मिम, M -I -M -M, M -M पढ़ना है यानी ऐसे क्यों क्योंकि वहां पर एक छोटा सा मीम ऐसे दिया होगा जिसको हम इकलाब कहते हैं तो ये नून साकिन और तनवीन के बाद ही आपको मिलेगा यानी जब भी नून साकिन और बा नून साकिन तनवीन के बाद आपको कोई हरफ बा मिल रहा हो जैसे यहां पर है मिन नून साकिन के बाद फौरन बा आ गया दूसरे लफ्ज में तो उसको आपने वहां पर क्या करना है इकलाब यानी वहां पर आपने इकफा का करना है क्लियर हो गया चले उसके बाद हमारा आता है दो हम और पढ़ेंगे थर्टी नाइन्थ और फोर्टीथ ठीक दो इनको पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे और रह जाते हैं उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मुदगम।, मुदगम मुदगम हम कहते हैं मर्ज करने को यानी एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिलाना एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिलाना एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिलाना बात क्लियर होगी तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम मुदगम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम। अब, अब तुम अब देखिए अबतुम में हमने क्या किया इस दाल को हमने इस ताक के अंदर मिला दिया हम पढ़ते हैं अबत तुम सॉरी काफिर अंदर तो अब तुम में हमने दाल को किस में मिलाया अंदर मिला दिया तो हम इसको कहेंगे मुदगम हमने इसको मुदगम किया मर्ज कर दिया एक हरफ को हमने दूसरे हरफ के साथ मिला दिया तो इंशाल्लाह इसकी भी डिटेल आगे आ जाएगी उसके बाद हमारा फोर्टीथ है वो है मुदगम फी मुदगम फीह फी फीह हम कहते हैं यानी जिस हरफ में मिलाया गया हो जिस हरफ में मिलाया गया हो जैसे अब तुम हमने लिखा ना अब तुम, ऐसे अब तुम लिखा ना तो हमने दाल को किस में ये आपका मुदगम फी कहलाएगा क्योंकि हमने मिलाया किसमें ता में मिलाया दाल को हमने ता में मिलाया तो ये आपका मुदगम फी कहलाएगा बात यहां तक क्लियर होगी तो आज हमने अलहमद और यहां पर कुछ जो है ये असलाह देखी इनशाला मजीद हमारी और असलाहत रह जाती हैं टोटल हमारी ये सेवेंटी या सेवेंटी फाइव होंगी इन शाला इनको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद इन शाला हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम असलाहत समझ में गई होंगी आपने इनको नोट भी किया होगा और आपको इनसे फ़ायदा भी हुआ होगा क्योंकि ये बड़ी इंपॉटेंट टर्म्स हैं इन शाला इनका दखल आपको कुरान के अंदर है कर्ान कुरान के अंदर भी है और तजवीद तजवीद के अंदर भी है इनशाला तो इसको आप ध्यान में रखिएगा तो उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास समझ में आगे होगी अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों इसको में शेयर कर दीजिए मुझे इजाजत दीजिए असल वरम वातरा जान जा, जाने जान जा, जान रहनुमा मुस्तफा हमारा है रहनुमा